तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त रिएक्ट के इस सीरीज में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज लेजी लोडिंग। ये बड़ा ही पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। इंटरव्यूअर आपसे जरूर पूछेगा कि आप भाई रिएक्ट एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो उसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक आप इंटरव्यूअर को बताओगे कि भाई लेजी लोडिंग। दूसरी चीजें आप बाद में बता सकते हो, जैसे कि यूज कॉल बैक, यूज मेमो, रिएक्ट मेमो कैशिंग, बाकी सारी चीजें आप बाद में बताओगे। सबसे पहली चीज आप जो बताओगे वो है लेजी लोडिंग, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव से। यस, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को लेजी लोडिंग एक्सप्लेन करूंगा एंड सस्पेंस कंपोनेंट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन मैं आप लोग को रिएक्ट बाउंड्री के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे जिसका यूज करके आप कंपोनेंट क्रैशेस को हैंडल कर सकते हो। तो ये दो टॉपिक इस वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरा नाम मुकेश, चलो शुरू करते हैं कोडिंग। ऑलराइट, तो लेजी लोडिंग एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक सिंपल एप्लीकेशन बनाया हुआ है, जिसका यूज करके मैं आप लोग को लेजी लोडिंग डिटेल में एकदम एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एप्लीकेशन का कोड मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से उठा सकते हो। तो बड़ा ही सिंपल है। मैंने ऐप कंपोनेंट में एक डैशबोर्ड कंपोनेंट इंपोर्ट किया हुआ है, एंड इस डैशबोर्ड में क्या है कि एक सिंपल स्टेट है हमारे पास जिसकी इनिशियल वैल्यू है होम, और एक बनाया हुआ है मैंने फंक्शन जो रिटर्न करेगा कंपोनेंट बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। तो इनिशियली स्टेट की वैल्यू है होम, तो डिफॉल्ट हमारा होम रिटर्न होगा, एंड इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, तो इनिशियली हम लोग को होम कंपोनेंट जो होगा। इसके अलावा मैंने कुछ बटन बनाया हुआ जिसके क्लिक पे मैं स्टेट की वैल्यू चेंज करूंगा। तो लेट्स से एनालिटिक्स बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो स्टेट की वैल्यू हो जाएगी एनालिटिक्स। देन ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा हम लोग को एनालिटिक्स पैनल कंपोनेंट, तो वो हम लोग को यहाँ पे दिखेगा। सिमिलरली रिपोर्ट्स बटन पे मैं क्लिक करूंगा, तो स्टेट की वैल्यू हो जाएगी हमारी रिपोर्ट्स, तो ये कंपोनेंट रिटर्न होगा। तो अभी आप लोग को दिखाऊंगा मैं। तो इनिशियली हम लोग को होम कंपोनेंट के अंदर जो कंटेंट है वो शो हो रहा है। एनालिटिक्स पे क्लिक करूंगा तो एनालिटिक कंपोनेंट के अंदर जो कंटेंट है वो शो हो रहा है। रिपोर्ट्स पे क्लिक करूंगा तो रिपोर्ट कंपोनेंट हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी जो एनालिटिक्स और रिपोर्ट कंपोनेंट के अंदर जो कोड है उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, मैंने भी चिंता नहीं किया। मैंने चैट जीपीटी को बोला कि सुन चैट जीपीटी, एनालिटिक्स और रिपोर्ट के कंपोनेंट्स के अंदर सैंपल कोड जनरेट करके दो D3 लाइब्रेरी का यूज करके। तो इसने मेरे को सैंपल कोड जनरेट करके दिया है। ऑलराइट, तो इसके बारे में अभी हम लोग को चिंता नहीं करनी है। यस, ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस एप्लीकेशन। तो मैं क्या करूंगा, अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करूंगा। So, यहाँ पे मैंने वीट यूज किया रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। सो यहाँ पे हमारे पास बिल्ड स्क्रिप्ट है, इसका हम लोग यूज करेंगे, एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। सो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा npm run build, ऑलराइट, एंड देन इस बिल्ड फोल्डर को हम लोग सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्ड फोल्डर ने हम लोग को यहाँ पे डिस्क डिस्क के अंदर एसेट्स एंड इसके अंदर हमारा रिएक्ट कोड है। ऑलराइट, तो इस डिस्क फोल्डर को हम लोग को सर्व करना है, तो इसके लिए मेरे पास ये प्रीव्यू स्क्रिप्ट है हमारे पास। तो इसका हम लोग यूज करके हमारा बिल्ड फोल्डर सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा npm run preview। तो अभी काइंड ऑफ जो हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन है, आप समझो ऐसे कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में चल रहा है। ऑलराइट, ओके, सो अब मैं यहाँ पे जाऊंगा। सो ये है हमारा अब एप्लीकेशन। सो आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, ठीक है। यहाँ पे मैं नेटवर्क टैब ओपन करूंगा, एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एम्प्टी कैश या हार्ड रीलोड आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ यहाँ पे आप लोग डिसेबल कैश को चेक कर सकते हो। तो मेरा पहले से ही चेक था, आपका चेक नहीं होगा तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एम्प्टी कैश एंड हार्ड रीलोड कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि हमारे पास यहाँ पे सर्वर ने हम लोग को एक बंडल दिया है। अब इस बंडल में पूरा कोड होता है कि मैं जिस भी टैब पे क्लिक करूंगा तो बेस्ड ऑन टैब हमारा UI शो करेगा। ये बंडल के अंदर पूरा लॉजिक लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो कई बार क्या होता है कि आपके एप्लीकेशन में ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। ऑलराइट, तो उनका भी कोड इस बंडल के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो कई बार क्या होगा कि आपके बंडल का साइज बड़ा हो जाएगा। ऑलराइट, आपके एप्लीकेशन में कुछ कंपोनेंट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट्स कंपोनेंट होगा जिसके अंदर आप पावर बीआई रिपोर्ट शो कर रहे होगे, या बहुत ज्यादा हैवी कोड लिखा हुआ होगा, या आप कोई लाइब्रेरी यूज करके रिपोर्ट जनरेट कर रहे होगे, जैसे कि हमारे केस में हम लोगों ने D3JS का यूज करके रिपोर्ट सिंपल चार्ट जनरेट किया, बट आपका यूज केस अलग हो सकता है, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट क्रिएट की होगी। ऑलराइट, या फॉर एग्जाम्पल एनालिटिक्स में आपने कुछ चार्ट्स बनाए होंगे एनालिटिकल, एंड उसमें आपने कोई और लाइब्रेरी यूज की होगी, तो आपके कंपोनेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा हैवी कोड होता है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, आपका जो बंडल है उसका साइज, ऑल ओवर साइज बढ़ सकता है। हमारे केस में अभी 67 KB है, बट एक रियल एप्लीकेशन में इससे ज्यादा साइज होगा।
तो इस बंडल के अंदर पूरा लॉजिक लिखा हुआ था कि बेस्ड ऑन जिस भी टैब पे मैं क्लिक कर रहा हूँ क्या यूआई शो करना है, जिसके कारण हमारे बंडल का साइज बढ़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, बंडल का साइज बढ़ने से क्या प्रॉब्लम है? बंडल का साइज बढ़ने से प्रॉब्लम यह है कि आपकी वेबसाइट इनिशियली लोड होने में ज्यादा टाइम लगाएगी, तो काइंड ऑफ आपकी वेबसाइट स्लो होगी, यूजर एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि यूजर को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा आपकी वेबसाइट को लोड होने के लिए। तो लोडिंग टाइम ज्यादा होगा अगर बंडल की साइज यहाँ पे ज्यादा होती है, आपकी वेबसाइट लोड होने में ज्यादा टाइम लगाएगी। तो मैं चाहता हूं मेरी वेबसाइट क्विकली लोड हो, तो क्विकली लोड होने के लिए मैं यहाँ पे कोड स्प्लिटिंग का यूज कर सकता हूँ। कोड स्प्लिटिंग मतलब यहाँ पे मैं इस बंडल को मल्टीपल बंडल में स्प्लिट कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो मैं क्या करूंगा, एनालिटिक्स और रिपोर्ट को लोड करने के लिए जो कोड चाहिए मैं लेजिली उनको लोड करूंगा। तो मैं इस बंडल में इंक्लूड नहीं करूंगा। जब यूजर चाहेगा कि मैं भाई एनालिटिक्स देखना चाहता हूं, तब हम लोग इस यूआई को शो करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड जावास्क्रिप्ट है वो लोड करेंगे। ऑलराइट, तो अभी हमारा पूरा जावास्क्रिप्ट इस बंडल के अंदर लिखा हुआ है, एंड हम लोग जो एनालिटिक्स और रिपोर्ट को लोड करने के लिए जो जावास्क्रिप्ट चाहिए वो हम लोग सेपरेट बंडल में रखेंगे। यस, तो हम लोग हमारे बंडल को स्प्लिट कर रहे हैं मल्टीपल बंडल्स में, इसलिए इस टेक्निक को कोड स्प्लिटिंग भी कहा जाता है। ऑलराइट, तो हम लोग लेजिली लोड करेंगे इस एनालिटिक्स और रिपोर्ट कंपोनेंट को, एंड आप लोग देखोगे इस पूरे मेन बंडल का साइज रिड्यूस हो जाएगा। ऑलराइट, एंड देन हमारी वेबसाइट और भी ज्यादा क्विकली लोड होगी। ऑलराइट, सो यहाँ पे बड़ा सिंपल है इसका कोड लिखना। यहाँ पे बस ऐसा करना है हम लोग को कि यहाँ पे इन दोनों को कमेंट करना है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे हम लोग को ऐसा लिखना है, कॉन्स्ट एनालिटिक्स पैनल, नाम वही सेम रखते हैं, एंड यहाँ पे रिएक्ट से मैं यूज करूंगा लेजी। ऑलराइट, अब लेजी में हम लोग फंक्शन पास करेंगे, एंड हम लोग यहाँ पे डायनेमिक इंपोर्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस ऐसा लिखाएंगे, एंड क्या इंपोर्ट करना है, एनालिटिक्स पैनल, ऑल शिफ्ट डाउन की एक बनाएंगे रिपोर्ट्स के लिए भी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिपोर्ट्स, अरे रिपोर्ट्स पैनल लाइक सो। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक इंपोर्ट। यस, सो ऐसा लिख लिया हम लोगों ने। तो कंपोनेंट्स को इस तरीके से हम लोग को इंपोर्ट नहीं करना, इस तरीके से इंपोर्ट करना, रिएक्ट लेजी का यूज करना। अच्छा, अब जब मैं एनालिटिक्स पे क्लिक करूंगा ना, तो हमारा एनालिटिक्स बंडल फेच होगा। तो जब तक बंडल फेच हो रहा है तब तक हम लोग लोडिंग कोड शो कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसके अंदर हम लोगों ने ये कंपोनेंट्स को यूज किया, राइट। तो इस फंक्शन को मैं रैप करूंगा सस्पेंस से। ऑलराइट, एंड कंट्रोल एक्स यहाँ पे मैं सस्पेंस इसे डालूंगा, और जब तक हमारा बंडल फेच हो रहा है तब तक हम लोग लोडिंग शो करेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉल बैक, एंड फॉल बैक में मैं लिखता हूँ, अब इसके अंदर आप कंपोनेंट डाल सकते हो, आप इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट शो कर सकते हो। अभी के लिए, फिलहाल के लिए मैं H1 डाल लेता हूँ, H1, एंड यहाँ पे लोडिंग ऐसे ऐसे टेक्स्ट डाल सकता हूँ। तो इसके अंदर आप कोई कंपोनेंट भी यूज कर सकते हो, कंपोनेंट भी यहाँ पे डाल सकते हो। ऑलराइट, ओके, सो या दैट्स प्रीटी मच इट। अब मैं सेव करूंगा अपने एप्लीकेशन को, एंड या एंड अगेन बिल्ड करूंगा। तो यहां पे मैं अपना सर्वर किल करूंगा, अगेन एप्लीकेशन को बिल्ड करूंगा, एंड फिर से प्रीव्यू करूंगा। अच्छा, इस बार ये आप देखो कि बिल्ड में हमारे पास रिपोर्ट्स के लिए अलग बंडल जनरेट हुआ है और एनालिटिक्स के लिए अलग बंडल जनरेट हुआ है, आप लोग देख रहे हो, है ना। एंड यहाँ पे npm रन प्रीव्यू करूंगा मैं। तो हमारे पहले बंडल का साइज कितना था, 67 KB, अब देखना कितना होता है। उसी पोर्ट पे चल रहे हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फिर से, एप्लीकेशन हार्ड रीलोड। तो आप देखो अब 47 KB हो गया, थोड़ा रिड्यूस हो गया, बट रियल एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा रिड्यूस होगा। अभी हमारे एप्लीकेशन, हमारा पूरा एप्लीकेशन उतना हैवी नहीं है, बट आप लोग देख सकते हो 67 से 47 तो रिड्यूस हुआ। यस, तो अब हमारे बंडल की साइज कम है, तो हमारी वेबसाइट बहुत ही जल्दी लोड होगी। एंड जब कभी भी, अब मैं क्लियर कर रहा हूँ हमारे नेटवर्क रेस्पॉन्स को, अब जब कभी भी यूजर को एनालिटिक्स की जरूरत होगी, ऑन डिमांड पे हम लोग एनालिटिक्स लोड करेंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखो एनालिटिक्स का बंडल फेच हुआ, ऑलराइट, एंड देन यूआई शो हुआ। ऑलराइट, अब जैसे रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स पे भी मैं क्लिक करूंगा, रिपोर्ट्स का बंडल फेच हुआ, देन यूआई हमारा शो हुआ। तो हम लोगों ने रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स को लेजरली लोड किया। लेजरली लोड इन द सेंस कि हम लोगों ने ऑन डिमांड पे जब यूजर को जो चीज चाहिए तब हम लोगों ने उसको वो चीज प्रोवाइड की। ऑलराइट, इस टेक्निक से हमारी ऑल ओवर बंडल की साइज रिड्यूस हो गई, जिससे हमारी वेबसाइट इनिशियली क्विकली लोड होगी। यस,
अगर आप लोग को देखना है, अभी हमारी वेबसाइट जो है सर्वर बहुत फटाक से ये बंडल रेस्पॉन्स कर रहा है, बट आप लोग यहाँ पे नेटवर्क स्पीड को स्लो 3G में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप लोग देखोगे, एनालिटिक्स में जाऊंगा, ऑलराइट एक बार मैं डिसेबल कैश करता हूँ, रिपोर्ट्स में जाऊंगा, लोडिंग कोड नहीं दिख रहा है, एक बार रिफ्रेश करते हैं, रुक जाओ, हम लोगों ने फॉल बैक डाला था ना, अब मैं यहाँ पे डिसेबल कैश किया हुआ है, अब यहाँ पे मैंने स्लो 3G सेलेक्ट करूंगा मैं, एंड यहाँ पे एनालिटिक्स पे जाऊंगा, आपको देखेगा लोडिंग दिख रहा है आप लोग को, क्योंकि नेटवर्क को मैंने स्लो कर दिया, रिपोर्ट्स पे जाऊंगा लोडिंग दिख रहा है। ऑलराइट, तो जब तक बंडल फेच हो रहा है तब तक हम लोग को लोडिंग देता है, जब तक देन बंडल रेडी हो जाता है तो बंडल यूआई पे कोड इंजेक्ट कर देता है जो भी रिक्वायर्ड कोड है। यस, तो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो जब कभी भी हम लोग, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एनालिटिक्स को लोड कर रहा हूँ, रिपोर्ट को लोड कर रहा हूँ, कंपोनेंट को लोड करते वक्त फॉर सम रीजन ये कंपोनेंट क्रैश हो सकते हैं, तो अगर कोई कंपोनेंट क्रैश होगा ना तो आपका रिएक्ट एप्लीकेशन वाइड स्क्रीन शो करेगा। तो कंपोनेंट क्रैश को भी आप लोग हैंडल कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास रिएक्ट में होता है समथिंग कॉल्ड एज एरर बाउंड्री। एरर बाउंड्री का यूज करके हम लोग कंपोनेंट क्रैश को भी हैंडल कर सकते हैं। यस, तो ये मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। सो एरर बाउंड्री जो है वो एक कंपोनेंट है, तो ये एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो एट द पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, एरर बाउंड्री फंक्शनल कंपोनेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास, हमको ये मेथड चाहिए, ये दो मेथड चाहिए, और ये दो मेथड लाइफ साइकिल मेथड है क्लास बेस्ड कंपोनेंट के। तो एट द पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ऐसा कुछ सिमिलर हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं कर सकते, हम लोग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, दैट इज रिएक्ट एरर बाउंड्री, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे लिखा हुआ है, बट हम लोग लाइब्रेरी यूज नहीं करेंगे, हम लोग बनाएंगे, हमारा खुद का ही बना लेते हैं कंपोनेंट। तो ये मैं यहाँ से कोड कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, एंड मैं यहाँ पे सोर्स के अंदर बनाता हूँ कंपोनेंट एरर bounDARY.JSX, एंड यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मेरे को रिएक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। सजेशन आ जाएगा, नहीं आया, ठीक है, कर लेते हैं, कॉपी कर लेता हूं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, क्योंकि यहाँ पे रिएक्ट यूज कर रहा है ना। ओके, एनीवेज इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, अरे एरर बाउंड, लाइक सो। ऑल राइट, तो इसके अंदर अब क्या कोड लिखा हुआ है वो आप लोग ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट को मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट दो फंक्शंस है इनके बारे में हम लोग को समझना है। तो ये दो फंक्शंस क्या करेंगे कि आपका कंपोनेंट जब कभी भी क्रैश होता है, ऑल राइट, आपका कंपोनेंट जब कभी भी क्रैश होगा तो ये दो फंक्शंस अपने आप कॉल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ये स्टेट की वैल्यू चेंज कर रहा है, हैज एरर ट्रू कर दिया, तो ये जो फंक्शन है जो भी रिटर्न करेगा वो हमारे नए स्टेट की वैल्यू हो जाएगी। तो अभी स्टेट की वैल्यू है ये इनिशियली, एंड जब कभी भी हमारा कंपोनेंट क्रैश हो जाएगा तो ये फंक्शन अपने आप चल जाएगा, एंड जो जो भी रिटर्न करेगा ये हमारे नए स्टेट की वैल्यू होगी। और तो स्टेट चेंज हुआ, एंड देन जब हैज एरर ट्रू हो गया, तो हैज एरर जब ट्रू हो जाता है तो हमारा, हम लोग कुछ फॉल बैक यूआई शो कर सकते हैं, मे बी समथिंग वेंट रॉन्ग, तो ये फॉल बैक प्रॉप हम लोग को डालना पड़ेगा। अदरवाइज अगर यूआई क्रैश नहीं होता है तो हम लोग नॉर्मली चिल्ड्रन शो कर रहे हैं, दैट इज नॉर्मली हमारा यूआई शो होगा। यस, तो ये दोनों कंपोनेंट जब कभी भी आपका एप्लीकेशन क्रैश होता है तो ये दोनों फंक्शंस अपने आप कॉल हो जाते हैं। तो इस फंक्शन में हम लोग हमारा स्टेट अपडेट कर रहे हैं, और इस कंपोनेंट में आप लोग साइड इफेक्ट परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एपीआई कॉल कर सकते हो अपने सर्वर को कि एरर कंपोनेंट क्रैश हुआ तो उसका रीजन क्या है कंपोनेंट के क्रैश होने का, तो वो डिटेल्स आप अपने सर्वर को भेज सकते हो। ऑल राइट, सो एनीवेज अभी हम लोग को इस कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, रखे रहने देते हैं, कोई टेंशन नहीं है ये, बट ये कमेंट्स हटा देते हैं। ऑल राइट, इसके जगह आप सिंपली कॉन्सोल डॉट लॉग डाल दो, कॉन्सोल डॉट लॉग डाल लेते हैं अभी के लिए। ऑल राइट, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, इसके अंदर हम लोग को कुछ कोड नहीं लिखना है, एंड अब हम लोग को क्या करना है, इसको बस यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे, इसको यूज ऐसे करना है, देखो आप किसी भी अपने एप्लीकेशन के कोई भी पार्ट को एरर बाउंड्री के अंदर डाल सकते हो, एरर बाउंड्री लाइक सो। एंड अब क्या होगा कि अब इसके अंदर हम लोगों ने जो भी कोड डाला है, ठीक है, इसके अंदर जो भी हम लोगों ने कोड डाला है
अगर वो क्रैश होगा, एरर बाउंड्री का जो भी चिल्ड्रन है, राइट, एरर बाउंड्री का चिल्ड्रन ये है हमारा, अभी हमारे केस में तो जो भी चिल्ड्रन है क्रैश होता है तो एरर बाउंड्री हैंडल कर लेगा उस एरर को। तो आप पूरे एप्लीकेशन को भी एरर बाउंड्री से रैप कर सकते हो, बट अब फिलहाल के लिए यहाँ रखते हैं एंड देखते हैं अभी, फिर उसके बाद देखते हैं कैसा काम कर रहा है। उसके बाद अब पूरे एप्लीकेशन को भी एरर बाउंड्री से रैप करेंगे एंड देखेंगे क्या चेंजेस आ रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग को एक फॉल बैक प्रॉप डालना होगा, क्योंकि जब एरर आता है तो यहाँ पे आप लोग देखो कि फॉल बैक, यहाँ पे हमारे यूआई में फॉल बैक शो होगा, राइट। तो फॉल बैक प्रॉप हम लोग को यहाँ पे डालना पड़ेगा एंड ये एक कंपोनेंट होगा। सो फिलहाल के लिए बना लेते हैं कंपोनेंट, हम लोग बना लेते हैं एक कंपोनेंट फॉल बैक डॉट जे एस एक्स, हाँ, RFCE। ऑल राइट, एंड यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन क्रैश्ड प्लीज रीलोड, एंड यहाँ पे रीलोड के लिए एक बटन डाल लेते हैं, रीलोड, एंड यहाँ पे ऑन क्लिक पे मैं एप्लीकेशन को रीलोड करना है तो उसके लिए मैं मे बी यूज कर सकता हूँ विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड। ऑल राइट, सिंपल जावा स्क्रिप्ट है ये। यहाँ पे हम लोग को फ्रैगमेंट्स डालना पड़ेगा क्योंकि हम लोग दो चीजें रिटर्न कर रहे हैं। ऑल राइट, देयर वी गो। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट डाल लेते हैं फॉल बैक लाइक सो। ऑल राइट, लेट्स सेव दिस। अब अगर आप लोग देखोगे, अब मैं नॉर्मली क्या करूंगा, अपना डेव सर्वर स्टार्ट करता हूँ, npm run dev, एंड ये रहा हमारा 5.73 पे चल रहा है, यही है। सो अभी तो बढ़िया चल रहा है, राइट, बढ़िया चल रहा है, बट मेरे को इसको क्रैश करवाना है तो मैं क्या करूंगा, होम पे आओ एंड यहाँ पे ऑफलाइन हो जाते हैं, ठीक, राइट। ऑफलाइन होगा तो अब एनालिटिक्स कंपोनेंट लोड नहीं होगा। सो जैसे ही मैं एनालिटिक्स पे क्लिक करता हूँ, अच्छा यहाँ पे डिसेबल, एक बार एम्प्टी कैश रिलोड करता हूँ, रुको, फॉर कैश, कैश के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एम्प्टी कैश करूंगा। अब मैं इसको क्लियर करूंगा एंड यहाँ पे ऑफलाइन हो जाऊंगा। अब मैं एनालिटिक्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखो एप्लीकेशन क्रैश्ड प्लीज रीलोड दिखा रहा है हम लोग को। ऑलराइट, क्योंकि मैंने ऑफलाइन कर दिया तो हमारा कंपोनेंट क्रैश हो गया तो हम लोग को दिख रहा है एप्लीकेशन क्रैश प्लीज रीलोड। तो अगेन इसकी स्टाइलिंग मैंने बटन की थोड़ी चेंज की हुई थी इसलिए बटन की स्टाइलिंग ऐसी दिख रही है, बट एनीवेज मेरे को आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझाना था। ऑलराइट, तो आप देखो एप्लीकेशन क्रैश हो गया है तो अब मैं रीलोड पे क्लिक करूंगा, बट रीलोड पे क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पे फिर से अपना इंटरनेट अनेबल कर लेता हूँ, रीलोड करूंगा एंड देन आवर एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग अगेन। ऑलराइट, सो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, एरर बाउंड्री को यहां से उठा के आप अपने पूरे एप्लीकेशन को कमेंट कर दो, आप अपने पूरे एप्लीकेशन को क्या कर सकते हो, एरर बाउंड्री से रैप कर सकते हो। सो यहाँ पे आप लेट्स से, कहाँ मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, इधर इंपोर्ट किया हुआ है, तो आपके पूरे एप्लीकेशन में कोई भी अगर कंपोनेंट क्रैश होता है तो वो हैंडल हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग को फॉल बैक डालना पड़ेगा, फॉल बैक एंड दैट विल बी अ कंपोनेंट, हम लोगों ने फॉल बैक कंपोनेंट बनाया हुआ है लाइक सो। सो लेट्स सेव दिस। सो इसके पहले हम लोग को टैब्स दिख रहे थे, राइट, टैब्स के पीछे नीचे जो हम लोग शो कर रहे थे यूआई, वहां पे एरर दिख रहा था, राइट, क्योंकि एनालिटिक्स और रिपोर्ट्स क्रैश हो रहे थे तो उनकी जगह पे हम लोग एरर दिख रहा था, बट हम लोगों ने अब एरर बाउंड्री पूरे एप्लीकेशन पे लगाया हुआ है, राइट, तो अब ये टैब्स भी हम लोग को नहीं दिखेंगे। देखो आप लोग यहाँ पे मैं हार्ड एम्प्टी कैश हार्ड रिलोड करता हूँ, यहाँ पे मैं ऑफलाइन हो जाऊंगा, ऑफलाइन हो जाऊंगा, अब मैं एनालिटिक्स पे क्लिक करता हूँ। ऑल राइट, दिस शुड नॉट हैपन, फाइल को सेव नहीं किया है, माय बैड, लेट्स सेव दिस एक बार फिर से, एम्प्टी कैश एंड हार्ड रिलोड करेंगे एंड यहाँ पे मैं वापस ऑफलाइन जाता हूँ, अब एनालिटिक्स पे क्लिक करूंगा, आप देखो एप्लीकेशन क्रैश, अब हम लोग को टैब्स भी नहीं दिख रहे हैं। ऑलराइट, तो हम लोग को अभी जो फॉल बैक कंपोनेंट के अंदर जो हम लोग ने कोड डाला है
वो शो हो रहा है। वापस से मैं रीलोड करता हूँ एंड आवर एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग अगेन। ऑलराइट, तो आप अपने पूरे एप्लीकेशन को भी रैप कर सकते हो। आपका कोई भी कंपोनेंट क्रैश हो सकता है फॉर व्हाट एवर रीजन, तो वो हैंडल हो जाएगा। या तो आप कुछ पार्ट्स को भी एरर बाउंड्री से रैप कर सकते हो, अगेन आपकी चॉइस है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।